अस्सलाम वालेकुम, स्वागत करते हैं, वेलकम, खुश आमदीद सब लोगों को हमारे चैनल अफानेक्ट में। उम्मीद करते हैं सब बड़े होंगे, खुश होंगे, चमड़े पे होंगे। मैं लोकस कुदरत और अब की वीडियो लेकर आए हैं जो कि व्हाट डिड खान सर से अबाउट लक्षद्वीप। लक्षद्वीप का जो सीन चल रहा है, कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट लक्षद्वीप एंड मालदीव सिचुएशन जो कुछ हुआ था। वॉच करें वीडियो को, देखते हैं क्या सीन है। वॉच करें इस बार हमारे चैनल सर की वीडियो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है उसे भी दबा लाइक जरूर करें। अगर मैं सोशल सर फॉलो नहीं किया प्लीज फॉलो जरूर इंस्टाग्राम, आप लोग को लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेट्स स्टार्ट। ओके, स्टार्ट। पर्यटन के लिए बहुत जरूरी है तो वहाँ समुद्र के किनारे मतलब टूरिस्ट प्लेस बना देगा, फार्म हाउस, विला, कॉटेज, तो वहाँ पे ना कॉटेज बनाया जाता है, विला बनाया जा सकता है। अच्छा, इस लक्षद्वीप का नाम चलिए अब ध्यान से समझते हैं, लक्षद्वीप की ओर आगे बढ़े। ये हो गया आपका लक्षद्वीप, इस समुद्र के बीच में है सब लक्षद्वीप। अच्छा, इस लक्षद्वीप का नाम 36 गो द्वीप है सब, कितना है सर? 36। इसी 36 गो 35 गो एक जगह है इसे गुजुर मुजुर, आए को नीचवा चल गया इसे मिनी का है। तो लक्षद्वीप का सबसे निचला द्वीप मिनी का। अब बात की 35 गो एक जगह गुजुर गुजुर है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो लक्षद्वीप में टोटल कितने द्वीप? 36 द्वीप। 36 द्वीपों का समूह क्या है? लक्षद्वीप। ये मूंगा से बना हुआ है, किससे बना है? मूंगा से। अब मूंगा से कैसे बनता है समझिए ध्यान से। जैसे कोई तालाब है बहुत बड़ा या कोई समुद्र है, अगर कोई बहुत बड़ा दुर्घटना हुआ, कोई समुद्र है मान के चलिए, और कोई इंसान मरे तो उसको वहीं पे ले जाकर डंप कर दीजिए। आदमी मरेगा, नीचे चला गया, मानसून सड़ जाएगा, हड्डी बच जाएगा, फिर कोई मरा वहां डंप कर दीजिए, फिर कोई मरा डंप कर दीजिए। ऐसे 100-200 साल में देखिएगा ना, वहां हड्डी का पूरा ढेर लग जाएगा और हड्डी बाहर आ जाएगी, फिर धूल कण चलेगी, बालू फंसेगा, ये फंसेगा, धीरे 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 वहां द्वीप हो जाएगा। क्या हो जाएगा? द्वीप हो जाएगा, आइलैंड द्वीप हो जाएगा। अब बालू जमेगा, मिट्टी जमेगी, उसके ऊपर थोड़ा सा घास भूस जम जाएगा, हरियाली आ जाएगी यहाँ पर। तो वो द्वीप किससे बना है? आदमी के कंकाल से। वहां आप लॉज वॉज बना दीजिए, शांति लॉज, पूरा शांति रहेगा वहां। नहीं, कंकाल लॉज, हड्डी लॉज, वहां कुछ भी बना दीजिए वहां पे, गर्ल्स हॉस्टल। रात में उसमें गाना बजा दो, आमी जे तुम्हारा। बताइए, तो हड्डी से द्वीप बन सकता है कि नहीं? वैसे ही एक जीव होते हैं समुद्र में जिसका नाम होता है मूंगा। क्या होते हैं? मूंगा। उनका खोल कछुआ की तरह कड़ा होता है। कछुआ की तरह क्या होता है? कड़ा होता है, एकदम कड़ा होता है। तो जब मरते हैं तो उनका मांस गल जाता है और हड्डियां बच जाती है कैल्शियम कार्बोनेट की। ये वहीं पाए जाते हैं जहां पर समुद्र उथला हो, ज्यादा गहरा ना हो। जब ज्यादा गहरा नहीं है वहीं एकदम खूब सारे गोलियां गोलियां रहते हैं सर, और जो मरेंगे सब नीचे चल जाएंगे सर, धीरे 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 लाश ज्यादा हो जाएगा, हड्डी ज्यादा हो जाएगी। अब वैसे भी ये गहरे पानी में रहते नहीं, उथले पानी में रहते हैं, धीरे 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 ऊपर उठ जाएगा, उसमें धूल कण जमा होकर हजारों साल में द्वीप बन जाएगा। आदमी द्वीप पे टहलने लगेगा, घूमने लगेगा, झोपड़ी बना लेगा वहां पे, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अंग्रेज सब ना अलाव जलाता है सर, ना कौड़ा नहीं होता है जलाया जाता है ठंडी में, उसको कहता है सर बोन फायर। हमको पहली बार बोला तो हमको देखने गए थे कि क्या कर रहा है सर, हमको लगा हड्डी भूज रहा है सर, हम जाके देखे तो कर रहे हैं कौड़ा जलीले सोचा बोल रहा है बोन फायर, बोन फायर कह रहे थे बबुआ बोन फायर, ये तो हम लोग बहुते फायर करते हैं तब हम। तो वहां समुद्र के किनारे बोन फायर करेगा सर, लकड़ी जलाएगा सर, कौड़ा जलाएगा सब, शराब वराब पिएगा सब, जो मतलब टूरिस्ट प्लेस बना देगा। तो वैसे ही हो गया लक्षद्वीप, ये मूंगा से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? मूंगा से। इसका मूंगा जो मूंगा से बना हुआ है, इसका आकार ना इसे घोड़ा के नाल के समान है, इस टाइप का है। द्वीप जो है ना वो यू शेप के द्वीप है सब, तो ऊंचाई से दिखेगा तो थोड़ा छोटा दिखेगा, तो घोड़ा का नाल ऐसे ही होता है, समझा गया? पीछे की ओर होता है, गाय भैंस का आगे की ओर होता है, समझा गया? गाय भैंस का नाल ऐसे ना आगे की ओर होता है, भी शेप में होता है, समझा गया कि नहीं आ गया? उस सबके खुर उर में पानी लग जाए, तो खुर उर अगर आदमी कोई साफ कहाँ करता है, कोई अपने यहाँ गाय भैंस का, वहां पे बहुत कम लोग साफ करते, जिससे क्या होता है उसको बीमारी हो जाती है, खुर पका एक बीमारी हो जाती है, समझा गया? कि मुंह पका और खुर पका बीमारी होती है, समझा गया? चल जाओगी बबनी, जाने दीजिए उधर, खोल दो दरवाजा, आगे बढ़े, किसी को कोई दिक्कत? तो इसका आकार कैसा? घोड़े के नाल को,
याद रहेगा कैसा है घोड़े के नाल के से किस चीज से बना है मूंगा मूंगा को अंग्रेजी में कोरल कहते हैं क्या कहते हैं कोरल सबसे ज्यादा कोरल ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं भारत में सबसे ज्यादा लक्षद्वीप लक्षद्वीप में पाए जाते हैं तो बताइए ऐसे द्वीपों पे क्या आप हैवी कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं 50 तल्ला का बिल्डिंग और धंस जाएगा नीचे तो वहां पे ना कॉटेज बनाया जाता है झोपड़ी रिजॉर्ट बनाया जाता है रिजॉर्ट समझते हैं वीला बनाया जा सकता है वीला होता है एक तल्ला घर वो भी लकड़ी का रहेगा समझा गया फार्म हाउस वीला कॉटेज समझा गया ये तीन कैटेगरी है टूरिस्ट को लिए फार्म हाउस जो होता है ना बड़ा सा खेत खलिहान होता है 10 बीघा किसी का खेत है तो उसमें साइड में एक बगीचा बना देगा छोटा सा स्विमिंग पूल बना देगा बत्तख डाल देगा हंस डाल देगा खूब बढ़िया आएगो लकड़ी कुकड़ी का घर बना लेगा झोपड़ी पेंट वेंट करके खूब अच्छा एक तल्ला बना सकता है उसके ऊपर ढाल नहीं सकता है तलो रहेगा तो लकड़िए का रहेगा सीमेंट का नहीं ढाल सकता उसी को क्या कहेंगे फार्म हाउस अच्छा एक तल्ला ढाल दिया सीमेंट का और उसके ऊपर नहीं ढाल सकता है तो वीला समझा गया कि नहीं आ गया एक तल्ला ढाल दिया ऊपर नहीं ढालेगा लेकिन बहुत बड़ा बगीचा बनाया है पूरा एकदम उस हो जाएगा रिजॉर्ट रिजॉर्ट में उसका पर्सनल स्विमिंग पूल है बगीचा है घोड़ा है उसी में टहल रहा है सब खूब बढ़िया है खेल मतलब 10-20 बीघा में खाली ऐसे बनाने के लिए तो इसे बड़े बड़े समुद्र के किनारे वाले जो शहर होते हैं मुंबई हो गया गोवा हो गया ये मरीना बीच हो गया तो वहां की जगहों पे ये सब जाते हैं लोग तो कोई फैमिली गया एक तो रिजॉर्ट बुक कर लिया समझा गया कि नहीं आ गया तो समुद्र में जाएंगे नहाने तो पूरा नमकीन हो जाता है तो घर आके नहाना होता है तो जा कोई रिजॉर्ट बुक कर लिया कोई का पैसा रिजॉर्ट से कम है तो विला कर लिया उससे कम है तो फार्म हाउस कर लिया उससे कम है तो होटल कर लिया उससे भी कम है तो 20 रुपया का प्लास्टिक प्लेटफॉर्म पे बिछाया सो गया समझ में आ गया कि नहीं आ गया नहाओ कहाँ सार्वजनिक रहता है प्लेटफॉर्म पर आगे बढ़े किसी को दिक्कत नहीं तो लक्षद्वीप पर्यटन के लिए बहुत जरूरी है सबसे कम क्राइम लक्षद्वीप में सर्वाधिक प्रतिशत में मुस्लिम 90% से ज्यादा मुस्लिम रहते हैं कहाँ पे लक्षद्वीप में जिन्ना को पता चला बाद में कि यार मुस्लिम यहाँ भी थे तो हमारा हो गया पूर्वी पाकिस्तान मुस्लिम यहाँ भी थे हमारा हो गया पश्चिमी पाकिस्तान मुस्लिम यहाँ भी है हमारा हो जाएगा यहाँ पर यहाँ पहुंचने से पहले सरदार पटेल ने नौसेना भेज दिया नौसेना भेजने के बाद वहां भारत का झंडा लहरा दिया गया वहां के लोगों को कहा गया आप इंडियन रहेंगे सब खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लिया जिन्ना चिल्लाते रह गया ठीक हुआ नहीं तो उधरों से नौटंकी करता समझ आ गया कि नहीं आ गया जो बात ये बहुत ही इन्फॉर्मेशन वाली बात वैसे तो ये पता नहीं था इसके बारे में लक्षद्वीप के बारे में तो अभी बहुत सारे वीडियोस आ रहे थे लोग कह रहे थे कि ट्रेंड में था लेकिन ये लास्ट वाला जो के जिन्होंने इसमें भी चांस मारना था लेकिन चांस नहीं अच्छा ये हुआ था यहाँ पे जो है मुस्लिम पॉपुलेशन है और इसको जो है इंडिया मतलब पहले ही जो है इंडिया ने इसमें कंट्रोल किया हुआ था जिना मतलब वो रिलेटिव वाली बात पूछने से पहले इंडिया आर्मी तो दूसरी बात ये थी कि लक्षद्वीप बने इस वजह से बने कि एक समंदरी एक जानवर है हुकुम कोरल कहते हैं इंग्लिश में मूंग के नाम से ये जब ज़्यादा डेथ होती है तो ये वो बढ़ते फिर इस तरह का वो हड्डियाँ ऊपर आ जाती है फिर ऊपर बैठी तो सब कुछ बताया गया था लेकिन अगर देखी जाए ये काफ़ी ज़्यादा आजकल चर्चों में इस जगह काफ़ी सारे लोग एक्टर्स एक्ट्रेसेस काफी बड़े बड़े इंडिया और मालदीव की बिल्कुल जो सीन चल रहा था उसमें जगह के बहुत ही क्योंकि यहाँ पे मोदी जी यहाँ पे आया था और यहाँ पे जो है उन्होंने एक वाक की थी और वाक ने पूरा मालदीव को डिस्ट्रॉय कर दिया इस वजह से वहाँ पे गया हुआ था इस जगह को जो है आगे ले जाने के लिए प्रमोट करने के लिए तो ये वाकई में एक बहुत बड़ा स्पॉट बनने वाला है और मालदीव्स को टक्कर देने वाला है तो ये वाकई में एक बहुत ही अच्छा स्टेप लिया गया था और इस तरह होना भी चाहिए भाई अपने आप कंट्री में अगर आपकी कंट्री में इस तरह की जगह है तो क्या जरूरत है किसी और जगह पे जाने की बाकी ये थी वीडियो काफी अच्छी वीडियो बनाई गई थी अगर वीडियो पसंद आई प्लीज वॉच फॉर रेटर्स साथ में जो मेरा कहने उसे भी दबा लाइक जरूर करें हम तक लेकिन सपोर्ट मिल रहा है सो अभी के लिए इतना ही अल्लाह हाफिज़ बाय।